वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट। ठीक है, टाइम टेबल बनाएं कैसे और उसे फॉलो कैसे करें, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि टाइम टेबल बना तो खैर सब लेते हैं। ठीक है, सबने ही अपने लाइफ में कभी ना कभी टाइम टेबल बनाया होगा, बट जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि उसे हम फॉलो कैसे करें, क्योंकि भाई बन तो गया लेकिन कभी फॉलो नहीं हुआ। तो ये समस्या को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एंड तक हम बात करेंगे कि कैसे इस टाइम टेबल को आप फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसे फॉलो कैसे कर सकते हैं, इन सारे पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं। तो पहली बात आपको जो समझनी है वो ये कि आप में से ज्यादातर लोग मुझसे कहते हैं कि सर हर कोई बोलता है टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाकर पढ़ो, लेकिन फॉलो नहीं होता है। तो क्यों फॉलो नहीं होता है, जरा देखते हैं आप लोग टाइम टेबल बनाते कैसे हैं। देखिए, टाइम टेबल आप लोग इस तरीके से कुछ बनाते हैं कि आपने अपना गोल सेट कर लिया, अब आप टाइम टेबल बनाएंगे। दो तरीके के मैं लड़कों की बात करता हूं जिसे कुछ लड़के टाइम टेबल बनाएंगे। तो पहले वो जिंदगी में कभी 5 बजे उठे नहीं, जीवन भर वो 8 बजे से पहले कभी उठे नहीं है, लेकिन वो टाइम टेबल जब बनाएंगे तो डिसाइड करेंगे कल से सुबह 5 बजे उठ जाएंगे। ये तो पहली कैटेगरी हो गई जो कहेगा कल सुबह 5 बजे हम उठ जाएंगे सर, 5 बजे उठ के पढ़ाई करना शुरू करेंगे। एंड नेक्स्ट डे क्या होता है, अलार्म लगा के सोते हैं 4:30 बजे का, 4:45 बजे का, 5 बजे का, और 5 बजे के बाद हम सो जाते हैं और सोचते हैं थोड़ी देर में उठेंगे, और जब उठते हैं तो बचता है 5:30, और फिर हमें लगता है कि यार अब तो 5:30 बज गया, अब तो कल से 5 बजे से पढ़ेंगे। एंड इस तरीके से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। तो ये तो एक कैटेगरी हो गई जो बहुत ही लेस सीरियसली लेता है। लेकिन दूसरा कैंडिडेट मान लो थोड़ा सा सीरियसली है भी और वो उठ भी गया 5 बजे, तो उसका टाइम टेबल देखिए क्या होता है कि 5 बजे उठना है, स्टडी करना है, फिर 6 बजे नहाने धोना है, फिर 6:30 बजे फिर स्टडी करना है, फिर 6:30 बजे 6:30 से 8 बजे तक स्टडी कर रहे हैं, 8 बजे ब्रेकफास्ट करेगा बंदा, 8 बजे के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद 8:30 बजे फिर स्टडी हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर वो पढ़ता रहेगा और फिर वो डायरेक्ट लंच पे उठेगा, फिर लंच के बाद फिर वो स्टडी करने लगेगा आधे घंटे बाद, फिर स्टडी के बाद फिर ब्रेकफास्ट टी करेगा, और फिर इस तरीके से आप शेड्यूल बनाते हैं। तो और दूसरा मान लो, एक तो ये हो गया जिसमें उसने कुछ लिखा ही नहीं है, उसने सिर्फ इतना लिखा हुआ है स्टडी 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 स्टडी, क्या स्टडी, कहाँ से स्टडी, क्यों स्टडी, कुछ नहीं पता, बस स्टडी लिखा हुआ है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा जो कैंडिडेट थोड़ा सा सीरियस हो भी जाता है तो वो क्या करेगा, वो अपने डिक्शनरी अपने टाइम टेबल में लिखने लगता है कि इतने टाइम बजे वोकैबुलरी पढ़ेंगे, इतने बजे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, इतने बजे मैथ्स पढ़ेंगे, इतने बजे इंग्लिश पढ़ेंगे। समस्या क्या है इन दोनों ही टाइम टेबल्स में, समस्या ये है कि जब आप इन टाइम टेबल्स को देखते हैं तो ये देखने में बड़ा रोचक लगता है। पहले और दूसरे दिन तो ये बड़ा रोचक लगता है, लेकिन तीसरे और चौथे दिन से ये हमारा गायब होने लगता है। तो ये जो तरीका है टाइम टेबल बनाने का, ये सही तरीका नहीं। सही तरीका क्या है, जब इस तरीके का आप टाइम टेबल बनाते हैं तो नेक्स्ट डे ही आप बोलते हैं कि थक गया हूं ब्रो, इस तरीके का टाइम टेबल फॉलो करते करते अब नहीं हो रहा। तो अगर आप इस तरीके का टाइम टेबल बनाएंगे तो नेक्स्ट डे ही थक जाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो अब बनाएं कैसे सही टाइम टेबल, क्या तरीका होना चाहिए कि आप एक सही एक अच्छा टाइम टेबल बना सकें जो कि आप फॉलो भी कर सकें। क्योंकि जो मेरा मकसद है इस वीडियो का वो ये है कि आप टाइम टेबल को फॉलो करें, सिर्फ बनाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको फॉलो करना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है आप सभी की। तो टाइम टेबल बनाने से पहले ये जान लेते हैं कि टाइम टेबल बनाना जरूरी क्यों है। Why is it important to make a timetable? क्यों बनाना है timetable? भाई बिना timetable बनाए भी तो study हो सकती है, तो सर timetable बनाना क्यों है? इसलिए बनाना है बच्चा timetable, क्योंकि जब आप एक timetable बनाते हैं तो आपको एक वो plan देता है। बिना plan के आप life में कुछ हासिल नहीं कर सकते। There must be a plan. अगर एक plan नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक प्लान तो बनाना ही पड़ेगा, और टाइम टेबल वो प्लान आपको देता है। इसके अलावा जब आप एज अ ह्यूमन, हमें इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हम एक रूटीन को फॉलो करते हैं, हमारी आदत है, एक रूटीन में हम बंध जाते हैं। टाइम होगा तो अपने आप हमें, जैसे ही ब्रेकफास्ट का टाइम होगा हमें अपने आप भूख लगने लगेगी, जैसे ही लंच का टाइम होगा हमें अपने आप भूख लगने लगेगी। सो ये हमारी एक हैबिट होती है, एक सर्कल होता है
जिसमें हम एक तरीके से हमारी बॉडी साइकिल होता है जिसमें आप ऑटोमेटिकली रूटीन में बंधे हुए होते हैं। तो आपको वो रूटीन बनाना है जिससे कि आप अपने शरीर को, अपने बॉडी क्लॉक को उस रूटीन में बांध सकें। टाइम टेबल आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। आप देखेंगे कि जब आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं तो आप ये पाएंगे कि जब आपने एक अच्छा टाइम टेबल बनाया है और उसे फॉलो किया तो आप ये देखोगे कि यार आपके पास समय की उतनी कमी है नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों से कुछ भी कहा जाए, मैं जैसे बहुत मूवीज देखता हूं, मैं अपनी हर क्लास में मूवीज, वेब सीरीज, हर वीडियो में मूवीज वेब सीरीज के आपको कॉन्टेक्स्ट देता रहता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे कहते हैं कि सर हम इतनी मूवीज देखते नहीं, आप देख कैसे लेते हो। अगर आप प्लान्ड तरीके से चीजें करोगे तो आप मूवीज भी देख लोगे, आप सोशल मीडिया भी चला लोगे, आप घर के साथ टाइम भी बिता लोगे और आप पढ़ भी लोगे, लेकिन उसके लिए प्लान्ड स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए प्लान जरूरी है। आपका टाइम टेबल बनाने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर आपका एक टाइम टेबल नहीं होगा तो आप कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं, जब आप बचपन में स्कूल जाते हैं, जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में 6-7 घंटे का स्कूल होता है, उतने में हम खेल भी लेते हैं, हम बातें भी कर लेते हैं और टीचर्स हमारी क्लासेस भी ले लेते हैं और सारे सब्जेक्ट हम पढ़ भी लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक प्लान होता है और वो जब प्लान आप इंप्लीमेंट करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। सो दैट्स व्हाई प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Also, a well-made plan timetable gives you time for everything you want to do in your day. As I said in the starting of the video, अगर आप एक अच्छा timetable बनाओगे, तो आपको हर चीज के लिए time मिलेगा, सारी बातों के लिए time मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ पढ़ने के लिए time मिलेगा, खेलने के लिए time नहीं मिलेगा, movies देखने के लिए time नहीं मिलेगा, सभी चीजों के लिए time मिलेगा। So कैसे बनाना है timetable? इस पे बात करें कि एक अच्छा timetable कैसे बनाएं, जो कि आप फॉलो भी कर सकें और आप थके भी नहीं और एक लंबे समय तक फॉलो हो। तो उसका तरीका देखिए क्या है कि जब आप टाइम टेबल बनाएं तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप अपने आप से पूछिए कि आपका गोल क्या है। व्हाट इज योर गोल? आप अचीव क्या करना चाहते हो उस टाइम टेबल से? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इफ यू डू नॉट हैव अ क्लियर गोल इन योर माइंड, यू विल नॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। There must be a clear cut goal that if you want to clear SSC CGL exam, there must be that मैं SSC CGL clear करूंगा 2020 वाला, मैं CHSL clear करूंगा 2021 वाला, मैं UPSC clear करूंगा ये वाला। आपका एक plan होना चाहिए कि मैं ये वाला exam clear करूंगा 100%। मैंने एक video में कहा था कि time limit आप plan बनाइए। Time constraint plan नहीं बन सकता क्योंकि हमारे government exam इतना time से होते नहीं, लेकिन आप एक प्लान, एक ये तो डिसाइड कर सकते हैं ना कि ये वाला जो सीजीएल होगा मेरा निकल जाएगा। तो पहला तो आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, फिर आप एक लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। जो मैंने आपसे कहा एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए आपका कि लंबे समय में, इतने टाइम में मैं ये गोल अचीव करूंगा। जब आपने एक लॉन्ग टर्म गोल बना लिया तो उसके बाद आपका एक 6 month प्लान होना चाहिए कि आप एक 6 महीने का प्लान बनाओ कि इन 6 महीनों में मैं क्या क्या करने वाला हूं। मान लीजिए आप अगले सीजीएल को टारगेट करते हैं तो आपका प्लान होना चाहिए कि इस मंथ में मैं मैथ्स का इतना पोर्शन कवर करूंगा, इस मंथ में मैं इंग्लिश का इतना पोर्शन कवर करूंगा, नेक्स्ट मंथ में मैं जीएस का इतना पोर्शन कवर करूंगा। देयर मस्ट बी अ क्लियर कट प्लान मंथ वाइज। सो एक 6 month प्लान बनाइए कि 6 महीने में आप क्या क्या करने वाले हो। जब आपने एक 6 month प्लान बना लिया तो आप एक 1 month प्लान बनाइए कि इस महीने में मैं क्या अचीव करने वाला हूं। देखिए हम एज ए एजुकेटर क्या करते हैं, हर महीने हमारे कोर्सेज आते हैं, हमारे एक फिक्स्ड आवर्स होते हैं कि हम इतने आवर्स लेंगे और हम इतने कोर्सेज लेंगे, हमारा एक पूरा प्लान होता है मंथ का। एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू अचीव अवर टारगेट्स। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हर एजुकेटर अनअकैडमी पे जो पढ़ा रहा है उसके एक आवर्स हैं, फिक्स्ड आवर्स हैं, उतने फिक्स्ड आवर्स वो तभी ले पा रहा है जब उसका एक प्लान है। ठीक है, तो एक 1 month प्लान बनाइए कि आप पहले वीक में ये पढ़ेंगे, सेकेंड वीक में ये पढ़ेंगे, थर्ड वीक में ये पढ़ेंगे, फोर्थ वीक में ये पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एक वीकली प्लान होना चाहिए कि आप एक वीक में क्या प्लान करने, क्या पढ़ने वाले हैं। इस मंथ, इस वीक में मैं मैथ्स का मेंसुरेशन चैप्टर खत्म करूंगा, इस वीक में मैं इंग्लिश का ये चैप्टर, ये टॉपिक खत्म करने वाला हूं।
जीएस का ये टॉपिक मैं खत्म करने वाला हूं, वो एक वीकली प्लान होना चाहिए आपके पास। जब आप इतना करेंगे तो आपके पास एक 6 मंथ प्लान है, एक 1 मंथ प्लान है और एक 1 वीक प्लान है, और आपके पास एक गोल है। अपने गोल को और इन तीनों प्लान को आप स्टडी टेबल के सामने लगाइए। उसके बाद हमेशा अपने गोल्स को ध्यान रखना है, हमें कभी भूलना नहीं है। उसके बाद जब हम डेली टाइम टेबल बनाएंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? क्या आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो या आप देर रात तक पढ़ सकते हो? और तीसरी कैटेगरी मेरे जैसे होती है, जो मैं रात में पूरी रात पढ़ता था, तो मेरी आदत थी कि मैं रात में 10 बजे पढ़ता था, सुबह 6 बजे उठता था पढ़ के और दिन में सोता था, तो मेरी ये हैबिट थी। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट आउल है। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ सकते हो या रात में 2-3 बजे तक पढ़ सकते हो, वो आपको डिसाइड करना है, आप किस हिसाब से पढ़ना चाहते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सुबह जल्दी उठोगे तो ज्यादा याद होगा, ये मिथ है। लोगों को लगता है कि सुबह जल्दी उठने से याद होता है, आपको भी लगता है तो बिल्कुल सुबह उठिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं नहीं उठ पाता हूं सुबह, तो मैं अपने आप को जबरदस्ती फोर्स नहीं करूंगा कि भाई 4 बजे उठना है, क्योंकि मैं 4 बजे उठ भी गया तो मैं इस तरीके से पढ़ने वाला हूं, तो वो कोई सेंस नहीं है। तो आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको सुबह जल्दी उठना है या देर रात पढ़ना है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया तो फिर आप एक पेपर में ये भी लिखिए कि व्हाट आर योर डिस्ट्रैक्शंस, क्या क्या चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आपकी डिस्ट्रैक्शंस लाइक फेसबुक आप यूज करते हो बहुत ज्यादा, कोई ग्रुप है, मीम्स है, मूवीज हैं, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं आप उन्हें लिख लीजिए एक जगह, ठीक। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, समझिए, आप अपने आप पर बहुत ही लीनियंट होकर प्लान बनाइए, मतलब अपने आप पे दया खाओ। जैसे मैंने एक शुरू में एक प्लान दिखाया, उसमें उस बच्चे ने क्या किया हुआ है, सिर्फ खाने खाने और खाने का टाइम जोर दे रखा है, बाकी समय पर सब उसने स्टडी 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 डाल रखा है, वो कोई मतलब नहीं है उसका। क्योंकि आप अपने आप को इतना हार्श ट्रेन करोगे, या जिम में आप में से कई लोग जिम गए होंगे शायद, अगर नहीं गए हो तो एक सिंपल सी बात समझो कि अगर आप जिम जाते हो और जिम में उठा जाके पहले दिन ही एकदम 50 किलो की प्लेट से उठाने लगोगे क्या, या 20 किलो का डंबल उठाने लगोगे क्या, ऐसा नहीं होता ना, धीरे धीरे ही हम ट्रेन होते हैं। आप पहले दिन जिम जाकर 20 किलो तो नहीं उठाते हो, राइट? पहले दिन तो 20 किलो नहीं उठाएंगे ना, धीरे धीरे उठाएंगे। तो आप एक अभी मेरा मान लीजिए, मैं जो पढ़ाई करता हूं उसमें मैं सिर्फ दिन में 3-4 घंटे पढ़ता हूं, तो मैं एक ऐसा प्लान बनाऊंगा जिसमें मैं 4 से 6 घंटे का टारगेट अचीव कर सकूं। ये नहीं करूंगा कि मैं अभी 4 घंटे पढ़ता हूं और 18 घंटे का प्लान बना दिया मैंने, नो। पहले 4 से 6 घंटे का टारगेट बनाइए कि भैया 4 घंटे पढ़ रहा था, अब मैं इसको 2 घंटा बढ़ाऊंगा और उसमें अपने हिसाब से टाइम फिल करिए। तो आप पहले दिन ही जाकर, जैसा मैंने बताया कि 20 kg के डंबल नहीं उठाते, आप धीरे धीरे अपना प्लान बनाइए, अपने ऊपर लीनियंट रहिए, ठीक है। ऐसा प्लान बनाइए जो आपको सूट करता है, ऐसा प्लान नहीं बनाइए जो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है। मेरी अभी मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं SSC की तैयारी करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी अभी जो आदत है मैं 3 घंटे पढ़ने की, तो मैं प्लान ऐसा नहीं बनाऊंगा कि मैं 10-12-13 घंटे पढ़ने लगूं, नहीं। अभी मैं प्लान बनाऊंगा कि मैं 3 से 6 घंटे पर आ जाऊं या 3 से 5 घंटे पर आ जाऊं। मैं 5 पे जब आ जाऊंगा तो मैं 5 से 7 की कोशिश करूंगा, जब मैं 7 के आ जाऊंगा तो मैं 7 से 10 की कोशिश करूंगा। मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप चलते हैं ना भाई, जिम में भी हम यही करते हैं ना, कि अगर मैं मान लीजिए पहले सेट कर रहा हूं 15 का, तो मैं 15 के 3 सेट करने की कोशिश करूंगा, जब मैं 15 के 3 सेट कर ले रहा हूं तब मैं एक प्लेट और बढ़ाऊंगा और तब मैं 12 के 3 सेट करने की कोशिश करूंगा, अगर उससे भी हो गया तो एक और प्लेट बढ़ाएंगे, फिर 10 के 3 सेट करने की कोशिश करेंगे। एक एक स्टेप चलते हैं ना, ये थोड़ी करते हैं कि नहीं आज मेरी 15 सेट हो गया तो फटाक से मैंने 3 प्लेटें और डाली और बस उठा के करा और मसल स्ट्रेच हो गई, खत्म काम, अगले दिन से जाना बंद, तो वो नहीं करना है। ओवर ट्रेन नहीं करना खुद को, अपने ऊपर दया खाओ, ठीक है, खुद से प्रेम करो। इसके अलावा अगली बात ये समझिए कि जब आप कोई भी टारगेट अचीव करते हैं, मान लीजिए आपने एक प्लान बनाया, आपने उसको थोड़ा बहुत भी फॉलो किया, तो रिवॉर्ड करिए खुद को, और वो रिवॉर्ड्स आप अपने हिसाब से रखिए। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है आप स्विगी से कोई डिश खाना चाहते हैं तो वो ऑर्डर करो, खाओ। चॉकलेट खाना चाहते हो, चॉकलेट खाओ। जो भी आप छोटे छोटे रिवॉर्ड्स रखिए, छोटे छोटे, कुछ भी छोटे से रिवॉर्ड रख लो आप अपने हिसाब से। गर्लफ्रेंड से बात करना है तो गर्लफ्रेंड से बात तब करेंगे जब आज हम 2 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, सिंपल है। मूवीज, कोई मूवी देखना है, मूवी तब देखेंगे जब हम 2 घंटा पढ़ाई कर लेंगे,
फेसबुक चलाना, फेसबुक तब चलाएंगे जब हम 2 घंटा पढ़ाई कर लेंगे। तो अपने आप को रिवॉर्ड करने की आदत डालो जब आप कोई भी टारगेट अचीव कर लेते हो। एंड दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट डोंट फॉरगेट टू ऐड ब्रेक्स। अपने शेड्यूल में ब्रेक्स ऐड करना मत भूलिए। आपने वो साइंस का वो एक्सपेरिमेंट सुना है ना कि जब वायर्स लगाए जाते हैं तो वायर्स जो है वो यू शेप में डाले जाते हैं, इसलिए क्योंकि जब सर्दियां होंगी तो वायर्स में टेंशन आएगा और अगर हम अभी टेंशन लगा के कर देंगे तो वो टूट जाएंगे। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा अपने शेड्यूल को टाइट बनाएंगे जिसमें आप बिल्कुल भी ब्रेक्स नहीं ऐड कर रहे हैं तो वो टूट जाएगा, वो 2-3 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं बचेगा। तो अपने शेड्यूल में ब्रेक्स जरूर लगाइए। हर थोड़े समय के बाद एक ब्रेक होगा, किटकैट ब्रेक कहते हैं ना, तो एड ब्रेक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक लेना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा आफ्टर ईच एंड एवरी सेशन यू कंप्लीट, टेक अ ब्रेक, वॉक और स्ट्रेच। आपको जो करना है आप वो करिए। आपने कोई भी सेशन कंप्लीट कर लिया, मतलब मान लीजिए आपने 1 घंटे का कोई स्ट्रेच रखा था कि 1 घंटे तक मैं पढ़ूंगा, तो उसके बाद ब्रेक लो और ब्रेक लेने के बाद आप कुछ भी करिए, वॉक करना है वॉक करिए, स्ट्रेच करना है स्ट्रेच करिए, थोड़ा बाहर घूम के आइए, हवा खा के आइए, मम्मी से मिल के आइए, किचन में देख कर आइए क्या बन रहा है, कुछ खा पी के आ जाइए, 15-20 मिनट आप चिल कर सकते हो, उसके बाद फिर से आपको वापस आना है। तो ब्रेक्स ऐड करना है और उन ब्रेक्स को अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से यूज करना है, ठीक। नेक्स्ट, ये जो स्लाइड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशल मीडिया हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउअडेज। क्योंकि आज की तारीख में बिना YouTube, Facebook, Snapchat, WhatsApp के बगैर हम नहीं रह सकते। तो उनके लिए अच्छा, मोबाइल में इनकी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, मोबाइल में इनकी नोटिफिकेशन ऑफ होनी चाहिए कि आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाइए जिसमें इन चीजों के लिए भी आपके पास टाइम हो। मान लीजिए आपने 2 सेशन कंप्लीट किए, 2 सेशन मतलब आपने 1 घंटे का एक सेशन रखा, 10 मिनट ब्रेक लिया, फिर 1 घंटे का एक सेशन लिया, फिर आप 20 मिनट ब्रेक ले रहे हो, तो आप जब वो ब्रेक ले रहे हैं तो उसमें आप इन सोशल मीडिया को यूज करिए, इन टूल्स को यूज करिए, जो भी आपको यूज करना है, अच्छा लगता है तो, मतलब मजबूरी नहीं है, बट मैं बात बता रहा हूं अगर आपने करना है तो आप यूज करिए, और वो भी टाइमर लगा के कीजिए। ऐसा नहीं करना है कि पता लगा मैं फेसबुक इंस्टाग्राम रील से स्क्रॉल कर रहा था, करते 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 2 घंटा बीत गया। नो, हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना है, सेल्फ डिसिप्लिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अवेयर रहना है, अपने दिमाग को जागृत रखना है, सोना नहीं है, सोते हुए दिमाग को यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आप उन शेड्यूल में उसके लिए भी टाइम लगाइए। अनअकैडमी पे क्लासेस लेते हैं तो उसके लिए सेपरेट टाइम दीजिए कि इतने बजे मैं अनअकैडमी की ये क्लास लूंगा, उसके लिए टाइम होना चाहिए। तो शेड्यूल में आपके वो भी इंक्लूड होना चाहिए। और जब आप पढ़ने का टाइम शेड्यूल बनाइए तो 1 घंटे का मत बनाइए, मैं कहता हूँ 45 मिनट्स का बनाइए, क्योंकि ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं कि हमारा दिमाग 45 मिनट तक एक अच्छे से एक जगह पर फोकस करता है। तो 45 मिनट का एक स्ट्रेच दीजिए, मोबाइल में टाइमर लगाइए 45 मिनट का, दूर रखिए, पूरे 45 मिनट मन लगा के पढ़िए, उसके बाद ब्रेक ले लीजिए। अगर मन लग रहा है तो 45 मिनट से एक्सटेंड करो। देखो, मैंने कहा अपने आप को शेड्यूल को फ्लेक्सिबल रखना है, हमें उसको स्ट्रेच नहीं करना है जबरदस्ती। मान लो मैं मैथ्स लगा रहा था, मेरा मन लगने लगा है 45 मिनट से ऊपर हो रहा है और मैं जबरदस्ती ब्रेक नहीं लूंगा, 45 मिनट से ऊपर हो रहा है, मैं थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद, लेकिन 1.25 घंटे से ज्यादा फिर नहीं करना, 1.25 घंटे के बाद फिर ब्रेक ले लेना, फिर अपना जो काम मजे करने वो करिए, फिर वापस आ जाइए। तो सेशंस लगाइए 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, जितने टाइम के आप लगाना चाहते हो, तो उन सेशंस को बनाइए आप उस हिसाब से। उसके अलावा दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एड मेडिटेशन, योगा, वर्कआउट और एनी एक्टिविटी विच यू वॉन्ट टू डू इन योर शेड्यूल, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आप सुबह उठ के कुछ भी करते हो, चाहे मेडिटेशन कर लो, मेडिटेशन करने के लिए प्लेंटी ऑफ वीडियोज हैं, प्लेंटी ऑफ एप्स हैं जिन पे आप कुछ भी करके अपना मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर लीजिए अगर योगा पसंद है, वर्कआउट पसंद है तो वर्कआउट कीजिए, कुछ भी करिए, कोई भी ऐसा काम करिए जिससे कि आपकी बॉडी फिजिकली थोड़ा सा मूव हो, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप इससे करोगे तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आप रिलैक्स रहोगे, आप खुश रहोगे, तो तमाम चीजें हैं। सिर्फ पढ़ाई करने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये सारी चीजें भी करनी है, इनको मस्ट ऐड करिए। आपको जो पसंद हो कोई एक चीज चूज कर लीजिए, क्रिकेट खेलना पसंद है क्रिकेट खेल लो, साइकिल चलाना पसंद है साइकिल चला लो, आपको मेडिटेशन करना पसंद है मेडिटेशन कर लो, योगा पसंद है योगा कर लो, जिम का पसंद है जिम चले जाओ, जो पसंद है वो करिए। और
कुछ समय फैमिली के लिए भी रखिए, मम्मी से बात करने के लिए रखिए, क्योंकि एज अ बॉय सबको मम्मी से बात करना सही लगता है। मतलब मेरी आदत थी कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में किचन में जाके मम्मी से कुछ ना कुछ बात करके आता था, तो उसके लिए भी अपना सेपरेट टाइम रखिए कि इतने समय में मम्मी से बात करूंगा या इस टाइम में ये चीज करूंगा, ब्रेक्स में कर लीजिए। हर चीज के लिए आपके टाइम टेबल में जगह होनी चाहिए। सेल्फ कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं करना है कि हम बहे चले जा रहे हैं भावनाओं, बहना नहीं है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करके रखना है। देखिए एक छोटा छोटा सांड होता है, उसको खोल उसको बांधोगे कहीं तो वो बहुत तो कोशिश करेगा उसको तोड़ने की। वही आप हैं, थोड़े दिन तक आप कोशिश करेंगे, हसल करेंगे उसको तोड़ने की, लेकिन नहीं, हमें अपने ऊपर डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में बिना डिसिप्लिन के कुछ अचीव नहीं होता, तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन योर सेल्फ एंड कंट्रोल योर सेल्फ। ठीक, सेल्फ डिसिप्लिन इज अ की टू इन सक्सेस, की इंग्रेडिएंट टू सक्सेस। आपको सफलता पानी तो सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर आप खुद पे कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, तो कंट्रोल हमें करना है अपनी चीजों को। इसके अलावा अगर आपने अपने टारगेट को, अपने शेड्यूल को 60-70% भी अचीव किया, मान लीजिए 10 घंटे का शेड्यूल बनाया था मैंने उसमें 6-7 घंटे भी कर लिया ना, इनफ है, कोई बात नहीं, खुश होना चाहिए, दुखी नहीं होना है, खुश होना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा शेड्यूल फॉलो नहीं हुआ, अगर वो 60-70% भी फॉलो हुआ तो वो सक्सेस है, वो सफलता है, उतना ही फॉलो करिए। जब 60-70 हो आप उसको और रिदम लगाइए और कोशिश करिए। आपने पहले दिन शेड्यूल बनाया 10 घंटे का, आप पहले दिन सिर्फ 5 घंटे कर पाए, कोई बात नहीं, अगले दिन हम फिर कोशिश करेंगे और उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, 5.5 घंटे करेंगे, फिर अगले दिन हम और कोशिश करेंगे उसको 6 घंटे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप, छोटे 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 स्टेप्स लेना है, आप उसको एक एक करके धीरे 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 आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अब मान लीजिए 60-70% हो रहा है, फिर क्या होता है, हमारे साथ दिक्कत ये आती है कि सर आई डिड एवरीथिंग यू सेड फॉलोड फॉर अ वीक बट नाउ रिदम जस्ट हैज गॉन, व्हाट टू डू। ये भी होता है कि भाई सर आपने कहा 60-70 करो, चलो सर 60-70 ही हो रहा था, एक वीक दो वीक हुआ, अब इसके बाद फिर चला गया, अब नहीं हो रहा फॉलो, तो क्या करें। यही तो दिक्कत है कि शेड्यूल तो बना लेकिन एक हफ्ते के बाद फॉलो नहीं हो रहा है, तो क्या करना है एक हफ्ते के बाद। Okay, no problem. As I said in the starting, don't be harsh on yourself. Love yourself. Relax. It's bound to happen. ये होगा. ये होगा ही होगा. बहुत दिन तक कोई भी schedule follow नहीं होता. मैं आपको सच बता. और जो follow कर लेते हैं वो बहुत अच्छी success पाते हैं. But नहीं होता. कोई बात नहीं. Relax. It's okay. No problem. Remember what Swami Vivekananda said. Arise awake and stop not until the goal is achieved. A goal is reached. उठो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लो। एक बार नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कोशिश करेंगे हम। हम फिर से, आपने फोनिक्स चिड़िया को सुना है, पी लाइक अ फोनिक्स। फोनिक्स क्या होती है, हैरी पॉटर में फोनिक्स होता है कि वो अपने, एक बार जब बड़ी हो जाती है अपने आप को राख से जला लेती है, आग से जला लेती है और वो राख बन जाती है और राख से फिर से वो चिड़िया जन्म लेती है। तो बी लाइक अ फोनिक्स। मेरा शेड्यूल खत्म हो गया, कोई बात नहीं, नहीं फॉलो हुआ कोई बात नहीं, आई विल मेक अ वन अगेन, आई विल मेक अ शेड्यूल अगेन एंड दिस टाइम आई विल ट्राई टू अचीव 80-90% ऑफ आवर टारगेट्स। अपने उन टारगेट्स को 80-90% में अचीव करने की कोशिश करूंगा। पिछली बार 60-70 हो रहा था, कोई बात, अब की 80-90 करेंगे। फिर हम 3-4 दिन फॉलो करेंगे, फिर टूटेगा, फिर बनाएंगे, फिर 2-3 हफ्ते चलेगा, फिर टूटेगा, फिर बनाएंगे, हम उठेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, लड़ेंगे और फिर पहुंचेंगे अपने लक्ष्य तक। ऐसा नहीं है कोई भी शेड्यूल एक दिन में बन के फॉलो नहीं हो जाता। ठीक, अगर कोई शेड्यूल आपसे एक हफ्ते भी फॉलो होता है तो वीडियो से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उसके बाद फिर से उस शेड्यूल को बनाइए, आपकी इंप्रोवाइज कीजिए, उसमें चेंजेस कीजिए, देखिए क्या बदलाव आप उसमें कर सकते हैं। ऐसी कौन सी गलतियां थी जो आप पिछली बार कर रहे थे, इस बार आप नहीं करेंगे, इस बार आप और उन्हें बेहतर बनाएंगे। तो आप उस शेड्यूल को फिर से देखिए, देखिए कहां पर गलती हो रही थी, क्या दिक्कत आ रही थी कि आपसे शेड्यूल नहीं फॉलो हो रहा था। कुछ तो ऐसी दिक्कत होगी, क्योंकि कोई ऐसा टाइम होगा जिस टाइम आपके पेरेंट्स आपको परेशान करते होंगे, कुछ काम के लिए बोलते होंगे, आपने उस टाइम स्टडी लगा रखा होगा तो छूट रहा होगा, उस टाइम को अलग रख दो, हम फिर से चेंज कर लेंगे अपने शेड्यूल में। कीप चेंजिंग योर शेड्यूल, कीप इंप्रोवाइजिंग इट, बिकॉज नो यू कैन मेक अ परफेक्ट शेड्यूल इन अ डे,
एक दिन में नहीं बनेगा, हम फिर से बनाएंगे फिर बिगड़ेगा, फिर बनाएंगे फिर बिगड़ेगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई टोल्ड यू इन द वीडियो आर कि पहली चीज तो डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ, बी लीनियंट ऑन योर सेल्फ, अचीव एटलीस्ट 60-70% टारगेट्स, 70-80% टारगेट भी अचीव करोगे तो खुश रहो। और आप शेड्यूल को नहीं फॉलो हो रहा है, 2-3-4 दिन हुआ फॉलो ना, फिर बनाओ, फिर कोशिश करो। बीच में एक, मान लीजिए आपने एक शेड्यूल को 7 दिन फॉलो कर लिया, उसके बाद एक दिन का ब्रेक ले लो, लेकिन रिदम मत तोड़ो जब तक खुद से ना टूटे। तो जबरदस्ती खुद से रिदम नहीं तोड़नी है कि मैं, पता लग रहा मैं खुश हो गया कि मैंने 15 दिन शेड्यूल फॉलो कर लिया है, अब मैं 4-5 दिन का ब्रेक ले लूं। ऐसे ब्रेक लो, लेकिन उसको भी, वो भी आपके रिदम में होना चाहिए, अनवांटेड ब्रेक्स नहीं होने चाहिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक शेड्यूल बना सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप इस सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आप वाकई में देखेंगे कि आपने शेड्यूल फॉलो किया। अगर आप इस वीडियो को देखकर फॉलो करते हैं तो वीडियो पे वापस जरूर आइएगा दोस्तों, और लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने इस शेड्यूल को कितना फॉलो किया। ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।